जब भजन लाल ने राजस्थान की बागडोर संभाली थी तब कांग्रेस कह रही थी कि ये तो पर्ची वाली सरकार है, दिल्ली से ही चलेगी। लेकिन जब से सीएम भजन लाल सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तब से वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल बेहद गंभीर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भजन लाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत का फैसला ही पलट दिया है। अब राजस्थान में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राजस्थान सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला पलटते हुए सीएम भजन लाल ने राजस्थान में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति प्रदान कर दी है। राजस्थान में अपराध पर लगाम लगाने के लिए ही भजन लाल शर्मा ने इस तरह का कदम उठाया है। सीएम ने राज्य में अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को सहमति दे दी है, यानी अब राजस्थान में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। गहलोत सरकार ने साल 2020 में सीबीआई पर विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी से सामान्य सहमति वापस ले ली थी। राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में किसी भी मामले की जांच करने के लिए एजेंसी को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। इस मामले में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करने से सीबीआई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी। इसमें कहा गया है कि पिछली सरकार की ओर से सीबीआई को जांच के लिए सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया गया था। इससे जांच में देरी और अपराध के सबूत नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सीबीआई प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी और राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी। इस फैसले के बाद सीएम ने ये भी कहा कि पिछली सरकार की ओर से चलाई गई किसी भी योजना को बंद करने की फिलहाल कोई मंशा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।